आरकेपुरम विधानसभा के अंबेडकर बस्ती में विधायक ने किया सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्घाटन। जी हां, आपको यह चले कि आरकेपुरम विधानसभा से आम आदमी पार्टी की विधायक परमिला धीरज तोकस के द्वारा आज 4 अप्रैल 2023 को आरकेपुरम विधानसभा के अंबेडकर बस्ती एवं जीवन कुष्ठा आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्थानीय जनता भी विधायक परमिला धीरज तोकस के साथ मौजूद रही। बताया चले कि लगातार विधायक परमिला धीरज तोकस अपने इलाके में विकास कार्य करवाते हुए नजर आ रही है। वही अब सीसीटीवी कैमरे इलाके में लग जाने से अपराध में भी कमी आएगी। रिपीट, बताया चले कि स्थानीय जनता काफी दिनों से विधायक परमिला धीरज तोकस से गुहार लगा रहे थे कि हमारे इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखकर विधायक परमिला धीरज तोकस ने आज अंबेडकर बस्ती एवं जीवन कुष्ठाश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय जनता के साथ मिलकर किया। दिल्ली ने पिछले 8 में बहुत जबरदस्त तरक्की की है हर क्षेत्र के अंदर। 1950 से लेके 2015 तक 65 में दिल्ली में जितने काम किए गए, 2015 से लेके 2023 तक पिछले 8 में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है उससे डबल काम पिछले 8 के अंदर किए गए हैं। पिछले 8 में हमने 28 फ्लाईओवर बनाए, अगले 2-3 के अंदर हम 29 फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। पिछले 8 के अंदर जितने बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डाली गई, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी पानी की पाइपलाइन डाली गई, जो कि मैं समझता हूँ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए किसी शहर के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर पानी की पाइपलाइन डाली गई। जितने बड़े स्तर के ऊपर कच्ची कॉलोनियों में पानी और सीवर की पाइपलाइन डाली गई, पहले दिल्ली में सीवर को ट्रीट करने की जितनी क्षमता थी उससे डबल क्षमता पिछले 8 के अंदर हमने क्रिएट की है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सीवर हो, चाहे सड़कें हों, पिछले 8 में उससे ज़्यादा काम किया गया जो 65 में किया गया। इस साल का जो बजट पेश किया गया वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त पुश देने के लिए किया गया है। दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए वो तो सबको पता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शहरों में गिनती करवाने के लिए जो काम किए गए और अगले 2 के अंदर दिल्ली को जहां हम ले जाना चाह रहे हैं और ले जाएंगे वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस साल 21,000 करोड़ रुपए दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए लगाए गए हैं और मैं समझता हूं कि अगले 2-3 के अंदर आप दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शहरों से कंपेयर कर पाएंगे। दिल्ली देश के लिए एक बहुत गौरव का स्थान बनेगा।